स्वागतम, खुशामदीद, वेलकम टू गेमर्स डॉट। भाई साहब, आज जो व्हाइट सिक्स की एंट्री थी रॉ में, क्या एंट्री हुआ भाई। ये किक को कूट कूट के मारा भाई, पूरा बैक स्टेज में बेहोशी की दवाई क्या मिला दिया था पता नहीं भाई। अब तुम लोग एकदम आराम से और इज्जत में बोल सकते हो दिस इज सिनेमा भाई साहब, क्योंकि शैड गेबल के साथ तो अलग ही हुआ, फिलहाल तो खतरू टीम के साथ पहली बार। अच्छा फन फैक्ट, हम लोग 2K24 में पहली बार खतरू टीम के साथ मैच कर रहे हैं और आते के साथ NWO वाले जॉन सीना मर्सी से फिनिशर खा चुके हैं। तो भाई मर्सी दिखाने के मूड में नहीं लग रहा है भाई अब तो व्हाइट सिक्स में। भाई इससे पहले मैं व्हाइट सिक्स के बारे में कुछ बोलूं, यार हैट्स ऑफ ब्रे वाइट। यार ब्रे वाइट का प्लान था और हम लोग चाहते थे कि ब्रे वाइट अपनी व्हाइट सिक्स को लेके आए, लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अंकल हाउडी पूरा ब्रे वाइट के लुक में आया यार। भाई जॉन सीना को दूसरा फिनिशर पड़ने वाला है। जॉन टूके वालों ने, तुम लोगों ने क्या किया है? जॉन सीना मैच का एक मिनट भी नहीं हो, मर्सी भाई 76 ओवरऑल है लड़के का। भाई मर्सी कुछ तो मर्सी दिखा दे, ऐसे तो मत कर यार, खतरू टीम है यार, कुछ इज्जत दे दे भाई। खतरू टीम का वैसे ये पहला मैच है, 2K24 में हम लोगों ने इससे पहले खतरू टीम का मैच किया ही नहीं है, तो ये पहला मैच है खतरू टीम का। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि WWE में जो कांड होता है ना, गेम में भी वो कांड होना शुरू हो जाता है। कॉडियोस जीता था, उसके बाद जो गेम में डोमिनेटिंग हुआ कॉडियोस, अभी देखो मर्सी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सुपर फिनिशर खा गया पर नॉकआउट नहीं हुआ, 76 ओवरऑल लड़का बच गया, पर जॉन सीना चले गए। देखो 2K वाले कुछ ना कुछ, जॉन सीना रियल लाइफ में भी आते हैं तो नए सुपरस्टार यानी कि यंगर सुपरस्टार को पुश देकर के जाते हैं। तो जॉन सीना ने बोला होगा 2K वालों को कि मेरे को ऐसा बनाओ कि जो भी नया आए मेरे को हरा करके जाए। ऐसा यार जॉन सीना ऐसा तो मत करो यार, पिटा के चले गए यार, एक दो फिनिशर ही देके जाते हैं, क्या करते हो यार जॉन सीना तुम। तो भाई मर्सी को उठाने के प्रोग्राम में रूमर एक मैं बता रहा हूँ कि इसे काउंट आउट से बाहर ही एलिमिनेट कर दे, तभी जीतने के चांस है, वरना बहुत चांस कम है। और मर्सी अच्छा खासा खेल रहा है भाई, एक सुपर फिनिशर खा गया उसके बाद भी नॉकआउट नहीं हुआ है। और अंकल हाउडी का तो, अरे देखो रोमन नहीं, अंकल हाउडी को नहीं, कुछ भी कर लेना, अंकल हाउडी को मार दिया यार, क्या कर रहे हो रोमन। अब रोमन गलत तुम पंगा ले लिया यार, मर्सी ने दिखाएगा, रोमन एटलीस्ट एक को एलिमिनेट कर दो भाई, तुम और ब्रॉक लेसनर मिलके कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है, जो पांच लोग आए हैं उनके मास्क के अंदर कौन कौन है। देखो अंकल हाउडी तो पता ही है हम लोगों को, बो डैलस है, और बाकी लोगों को का बताओ। लड़की में मेरे को ऐसा लग रहा है कि निकी क्रॉस है आई थिंक। भाई सुपरमैन पंच, इसको सुपरमैन पंच पूरे व्हाइट सिक्स को जादू आता है, मैं बता रहा हूँ, सारे मूव्स को कॉपी कर रहा है। इन्हें मॉर्टल कॉम्बैट में घुसाओ यार, यहाँ पर WWE में क्या कर रहे हैं। चलो टैग दे रहे रैम्बलिंग रैबिट को, यानी कि जो मतलब डार्कर वर्जन आया है रैम्बलिंग रैबिट का, तू भी फिनिशर लगा, क्या कर रहा है मेरे भाई। रोमन एक सिर्फ और सिर्फ एक फिनिशर का है, एक फिनिशर पड़ेगा, रोमन गया, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर को भी हैंडल करना है जिनके पास फुल हेल्थ है। फुल रोमन भगले, रोमन ब्रॉक को टैग दे दे, बीस इनकार्नेट वाला ब्रॉक लेसनर है, कुछ ना कुछ तो कमाल दिखाएगा। और भूल मत ब्रॉक लेसनर, वैसे जब व्हाइट फैमिली के बीच में मैच हुआ था तो पूरे रॉयल रंबल से ब्रॉक लेसनर ने व्हाइट फैमिली को एलिमिनेट किया था भाई, वो व्हाइट सिक्स नहीं था, भूलना मत। चलो ठीक है व्हाइट सिक्स नहीं था, कोई बात नहीं, ब्रॉक ही आ राजा। रोमन एक्स के पास क्या है, गिलिटिन आ चुका है, रोमन ने गिलिटिन लगा दी। रोमन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है भाई, नाइस। मैं तो बता रहा हूँ कि रोमन एक्स एक दो घंटे तक और टिक गया तो पूरी व्हाइट सिक्स को साफ कर देगा भाई। रोमन एक्स का परफॉर्मेंस एक तरफ और मर्सी का परफॉर्मेंस एक तरफ, जॉन सीना को अरे लगा दिया स्पीयर। मैं बताऊँ ये खरगोश परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये जो भी खरगोश है जिस वो जो भी मास्क के अंदर में, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। मर्सी ने जो भी किया है, मर्सी ने पूरे मैच में किया है अभी तक। रोमन टैग दे दे यार, क्या कर रहा है रोमन, इतना मत परफॉर्म कर, मर्सी और खरगोश फिनिशर बच गया यार, इसका फिनिशर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो, टावर किया जाए क्या अगर ये लोग जीतेंगे तो खतरू टीम से? अभी तक का सो फार परफॉर्मेंस अच्छा था, पर जब से ये खरगोश आया है ना परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो गया। मर्सी तू ही कुछ करेगा अभी, देखना तुम लोग। अरे भाई रोमर एक्स काफी जोश में, रोमर एक्स क्या बोल रहा है, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। ब्रॉक भी बोल रहा है भाई मुझे टैग दे दे, क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा कुछ भी हो, शैड गेबल पीछे यार बैक स्टेज में बोल रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा यार, एंट्रेंस करनी थी, आना था तुम लोगों को, रोमे क्रू को मार लेते, मेरे को क्यों तोड़ा, ओटिस भी तोड़ रहा है, तुम लोग भी तोड़ रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। तो भाई तो 20 इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं, F5 नहीं, फिनिशर नहीं कनेक्ट हो पाया। और आई थिंक मर्सी के पास एक फिनिशर है, मर्सी के पास जितना भी फिनिशर आता है ना वो यूज कर लेता है, तो मेरे को ट्रस्ट है। जो अभी तक परफॉर्म किया है रोमन रेक्स ने परफॉर्म किया है, फाइनली अब मर्सी के जाने का वक्त आ चुका है। ये खाके भी बच गया ना तो मैं रो दूं, नहीं मर्सी, अरे बच गया भाई साहब 76 ओवरऑल है इसका, मैं तुम लोगों को बार बार याद दिला देता हूँ 76 ओवरऑल, नॉट इवन 80। सुपर फिनिशर खाया है यार, सुपर फिनिशर, और एक फिनिशर खा के फिनिशर लगा भाई।
ये फिनिशर की दुकान है लड़के के पास, द रेटेड आर सुपरस्टार एच का फिनिशर है। 1 2 लो जादू पर जादू हो रहा है। मैं कसम से उमंग से एग्री करना चाहूंगा, यहाँ पर मैच में हो रहा है जादू। एक काम करो मर्सी, अंकल हाउडी को टैग दो। धूप उप निकला हुआ है क्या इधर उधर? ये लोग धूप से शक्तियां ले रहे हैं मुझे लगता है यार। अच्छा जादू है ये लोग। ये लोग जादू है, ठीक है। क्रिश अंकल के बुलाने पे आए हैं। चलो अंकल हाउडी ही एलिमिनेट करे रोमन रेंस को, वही अच्छा लगेगा देखने में। अंकल हाउडी एक फिनिशर का है रोमन, अब कैसे टिकेगा यार रोमन? तीनों के अंकल हाउडी को फुल हेल्थ है। फिनिशर अप्लाई कर दिया, फिनिशर है ये, फिनिशर ही है रोमन बच्चा। रोमन भाई इजी विक्ट्री, एकदम इजी विक्ट्री भाई साहब। देखो हम लोग ने जानबूझकर की वीडियो छोटी नहीं करी है, ये एक्चुअली में अंकल हाउडी यानी कि व्हाइट सिक्स की टीम ने कांड कर दिया इजली। भाई वी वांट रीमैच, वी वांट हैशटैग। तुम लोग कमेंट करो, 100 कमेंट आनी चाहिए कि वी वांट रीमैच, मुझे रीमैच चाहिए। ब्रॉक लेसनर को दाढ़ी वाला लाऊंगा, जॉन सिना को अलग अटायर में लाऊंगा और रोमन भी अलग अटायर में आएगा। वी वांट रीमैच, ऐसे नहीं चलेगा भाई, क्योंकि नॉर्मल खतरू टीम तो एकदम नहीं टिक रही है। जैसा तुम लोगों ने देखा एकदम इजी विक्ट्री हुई है। तो जाने से पहले लाइक करते हुए जाना अंकल हाउडी के फैंस, ब्रे वाइट के फैंस। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड नेवर ट्राई दिस एट योर होम। थैंक यू, गुड बाय, सी यू, और हैशटैग वी वांट रीमैच याद रखना। बाय बाय।